Hey guys, I hope you all are doing well. I am Neha and welcome to the channel Living Bright. आज हम बात करने वाले हैं टीनेज वेट लॉस के बारे में, टीनेज के लिए स्पेशल जो मैंने डाइट प्लान डिज़ाइन किया है उसके बारे में, साथ में टीनेज में आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए एवरी डे उसके बारे में, और स्पेशल तड़का ये है कि हम ये बात करने वाले हैं कि टीनेज में अगर आपको वेट लॉस करना है तो वेट लॉस के लिए स्पेशल डिटॉक्स ड्रिंक आप कौन सा पी सकते हैं, क्योंकि ये देखो इतने सारे मैसेजेस, मैंने दूसरा वीडियो स्किप करके ये वीडियो बनाया क्योंकि इतनी सारी रिक्वेस्ट मुझे इस वीडियो के लिए आ रही थी. थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग, थैंक यू सो मच कि आप मुझे वीडियोस के लिए रिक्वेस्ट भेजते हो, एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं आपकी सारी रिक्वेस्ट फुलफिल कर पा रही हूँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो ऑन लिविंग ब्राइट. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं टीनेज में अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आपको डाइट कौन सा फॉलो करना चाहिए जिससे आपके न्यूट्रिशन की कमी भी ना हो, आपका वेट लॉस भी हो और आप हेल्दी रह पाएं. दूसरी बात, आप कुछ डिटॉक्स ड्रिंक भी साथ में पीने हैं कि जिससे आप हेल्दी रह पाएंगे, और ये आपको वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं. और ये डाइट प्लान जो है वो 20 साल तक कोई भी फॉलो कर सकता है, उसके बाद भी फॉलो कर सकता है क्योंकि ये हेल्दी डाइट प्लान है. पर 20 साल के अंदर आप अगर हैं और आप इसे फॉलो कर रहे हैं तो आपको वेट लॉस पक्का है. तो सबसे पहले जान लेते हैं डाइट प्लान एंड डिटॉक्स ड्रिंक के बारे में. पर उससे पहले, क्या आपने सब्सक्राइब किया? नहीं किया तो फटाफट नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे क्या करना है, उसे ग्रे करना है. फटाफट कर दो, नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे क्लिक कर दो. बाजू में जो घंटी है ना, उसे दबाना है. फटाफट उसे भी दबा दीजिए ताकि जो भी नया वीडियो आए वो आपको सबसे पहले पता चल जाए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी मैं टीनेजर के लिए ही स्पेशल बना रही हूँ कि आप अपनी हाइट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं. यस, अनदर मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो ऑन लिविंग ब्राइट. तो उसके लिए आपको बेल आइकन क्लिक करना होगा, और आपके कोई भी सुझाव है कोई भी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं. मैं आपकी कमेंट का आंसर हमेशा करती हूँ, ये तो आपको पता ही है. अब तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम डाइट प्लान. तो डाइट प्लान की शुरुआत करते हैं सुबह उठते ही. सुबह उठते ही सबसे पहले आपको पानी को गुनगुना करना है, वार्म वाटर जो होता है ना उसमें आपको लेमन ऐड करना है और इसे पीना है. ये एक टाइप का डिटॉक्स ड्रिंक ही है जो आपके बॉडी को अंदर से क्लीन करने के साथ साथ आपकी फैट बर्न करने में आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेगा. और अगर आप ये सुबह सुबह पीते हैं तो जल्दी से आपका पेट साफ हो जाएगा, आपके बॉडी से जो गंदगी है, जो आपके बॉडी में इम्प्योरिटीज है वो बाहर निकल जाएगी और आपका बॉडी क्लीन हो जाएगा, और आपका बॉडी न्यूट्रिशंस जो है वो इजीली एब्जॉर्ब कर पाएगा. तो ये डिटॉक्स ड्रिंक आप पी सकते हैं. इसके अलावा भी मैं आपको कुछ डिटॉक्स ड्रिंक्स बता सकती हूं कि जो आपको दिन भर में कभी भी पीने हैं क्योंकि ये बेस्ट है आपके लिए. रात को आपको फेनुग्रीक सीड्स जो होते हैं ना, ये रहे देखो, इसे भिगो देना है पूरी रात, और फिर ये जो पानी है वो छान कर आपको पी जाना है. ये भी वेट लॉस में बेस्ट रहता है, और सिर्फ ये वेट लॉस में हेल्प नहीं करता, ये आपकी स्किन के लिए बेस्ट है, आपके हेयर के लिए परफेक्ट है. अगर आपको हेयर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, डैंड्रफ या कुछ भी, तो इसके लिए भी ये पानी आपको काम करेगा. तो ये आपको वेट लॉस के साथ साथ बहुत सारे फायदे देता है, तो क्यों ना पिया जाए, राइट? और एक ड्रिंक है जो आप अगर सुबह पीते हैं तो आपको वेट लॉस में 100% हेल्प मिलती है, दैट इज दिस एप्पल साइडर विनेगर. ये आपको पानी में एक ग्लास पानी के अंदर सिर्फ आधा चम्मच या एक चम्मच डालना है, वार्म वाटर ले सकते हैं, और इसे रोज सुबह पीना है. अगर आप ये लेते हैं तो और कोई डिटॉक्स ड्रिंक आपको नहीं लेना है, मतलब सुबह सुबह जो लेमन वाटर वाला मैंने आपको बताया या फिर आपको फेनुग्रीक सीड वाला बताया, आपको कोई एक डिटॉक्स ड्रिंक सुबह उठते ही पीना है, दो तीन नहीं पी लेने हैं. इससे आपको मज़ा नहीं आएगा क्योंकि इतना सारा तामझाम सुबह उठते ही आप कर नहीं पाएंगे. तो कोई एक ही जो आपको ईजी लगे वो पी लीजिए. आप थोड़े थोड़े दिन में ट्राई भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं जो भी डिटॉक्स ड्रिंक आपको पसंद हो. और एक डिटॉक्स ड्रिंक आपको बता देती हूँ जो आप दिन भर में कभी भी ले सकते हैं, और उसे बनाने के लिए आपको एक पाउडर बनाना पड़ेगा जिसमें आपको चाहिए ये सब आपको मिक्स करना है, इसका पाउडर बना लेना है. और ये जो पाउडर है वो आपको वार्म वाटर के अंदर मिक्स करके थोड़ा सा लेमन निचोड़ कर पीना है. ये आप शाम को पी सकते हैं, रात को सोने से पहले पी सकते हैं. रात को सोने से पहले पीजिए क्योंकि ये आपको बेटर रिजल्ट देगा, रात को आपकी फैट जो है वो बर्न करने में हेल्प करेगा. अब आगे बढ़ते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ. पर ब्रेकफास्ट करने से पहले आपको करनी है जम के एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज करेंगे तभी तो कैलोरी बर्न होगी, और कैलोरी बर्न होगी तभी तो वेट लॉस होगा. क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करेंगे और आप खाते रहेंगे सिर्फ, तो ये कैलोरी गेन ही करेगा, लूज नहीं करेगा, क्योंकि आपने लूज करी ही नहीं है. एक्सरसाइज एवरी डे आपको आधा से एक घंटा जरूर करनी है. एक्सरसाइज में कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, बहुत सारे वीडियो है भाई,
कोई भी कर लो। बहुत सारी एक्सरसाइज के वीडियोस मैंने बनाए हैं और नेक्स्ट मैं एक्सरसाइज की स्पेशल सीरीज बनाने वाली हूँ आपके लिए, स्पेशल जिम एक्सरसाइजेस के साथ साथ कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो वेट लॉस में आपको 100% हेल्प करने वाली हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ, प्रॉपर डाइट के साथ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन क्लिक करना नहीं भूलना है ताकि आप वो वाले वीडियोस देख पाएं, वो जल्दी ही आने वाला है चैनल पे, उस पर काम चल रहा है, तो ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, अब हम एक्सरसाइज के बारे में तो बात कर चुके हैं, एक्सरसाइज आपको कौन सी करनी है तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ। ये सारी एक्सरसाइजेस जो डिस्क्रिप्शन में हैं वो आप कर सकते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज मैं यहाँ पे भी सजेस्ट कर रही हूँ। ये सब एक्सरसाइज आप एवरीडे कीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा इस पेज का ताकि आप एवरीडे देखकर इस एक्सरसाइजेस को कर पाएं और इजीली अपना वेट लॉस कर पाएं। तो अब आगे बढ़ते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ। क्या आप ब्रेकफास्ट नहीं करते? क्या कर रहे हैं यार, वेट लॉस करना है वो तो सही है पर आप ब्रेकफास्ट कीप नहीं कर सकते। oh, no. क्योंकि ये दिन का सबसे पहला मील है और इसमें आपके बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं। ब्रेकफास्ट राजा की तरह करना होता है, आपने सुना ही होगा। तो आपको सबसे पहला मील स्कीप नहीं करना है, ब्रेकफास्ट जमके करना है। आप रात को लाइट ले सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट में आप क्या ले सकते हैं, आप दो इडली ले सकते हैं या फिर आप डोसा ले सकते हैं या फिर आपको जो भी अपम पसंद हो तो वो ले सकते हैं, साथ में सांभर भी ले सकते हैं। अगर आप एगिटेरियन हैं तो आप एग्स ले सकते हैं, दो एग्स लीजिए पर एग में जो येलो पार्ट होता है ना उसे मत लीजिए क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा कैलोरीज होती है। अगर आप कुछ लाइट खाना चाहें तो आप पोहा खा सकते हैं। पोहा में आप मम्मी को बोलिए बहुत ज्यादा वेजिटेबल्स ऐड करें, पोटैटो ऐड मत कीजिएगा, वेजिटेबल्स ऐड कीजिएगा। आप पीनट ऐड कर सकते हैं, आप कोई भी दाल ऐड कर सकते हैं रोस्ट करके, ये अमेजिंग लगता है। मैं पर्सनली जब पोहा खाती हूँ तो मैं उसमें जम के पीनट्स डालती हूँ, जम के दाल डालती हूँ, बहुत सारे वेजिटेबल्स डालती हूँ, तो ये पोहा जो है वो एकदम रिच बन जाता है, एकदम फ्लेवर्ड बन जाता है, आपको मज़ा आएगा। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप पोहा खा रहे हैं तो साथ में एक ग्लास दूध भी पीना है। और अगर आप ओट्स खाना चाहें या फिर दलिया खाना चाहें ब्रेकफास्ट में तो आप वो भी खा सकते हैं, वो भी आपके पास ऑप्शन है, वेजिटेबल ओट्स बना लीजिए, ये भी हेल्दी ऑप्शन रहता है। अब बारी आती है लंच की, तो लंच में आपको भर के खानी है वेजिटेबल्स। जी हाँ, सब्जी ज़्यादा खानी है, बड़ा बोल भर के सब्जी खाइएगा। आई नो आप सब्जी कम ही खाते होंगे, है ना, सब्जी ज़्यादा खाया कीजिए, ये आपके बॉडी के न्यूट्रिशन को फुलफिल करता है, साथ में वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो बड़ी कटोरी भर के, बड़ा बॉल भर के आपको सब्जी लेनी है, उतना ही बॉल भर के आपको लेना है सलाद। सलाद कोई भी ऐड कर दीजिए, घर में जो भी है उसे सलाद की तरह आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और थर्ड थिंग, आपको दो ही रोटी खानी है। अगर आपके पास सब्जी नहीं है, फेवरेट सब्जी आपकी नहीं बनी है, तो आप अपने लिए दाल बना लीजिए, दाल भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। और मैं हमेशा दाल को मिक्स करके खाती हूँ, 5-6 दाल जो हमारे घर में अलग अलग बनती है ना उसे अलग अलग नहीं, एक साथ मिक्स करके बनाना होता है। और ये जो दाल बनती है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, फुल ऑफ न्यूट्रिशंस होती है और इसमें इतने ज़्यादा मिनरल्स एंड विटामिन्स होते हैं कि जो आपकी सारी कमी को पूरा कर सकते हैं। अब बारी है डिनर की, तो डिनर में आपको थोड़ा सा लाइट रखना है। आप खिचड़ी खा सकते हैं, आप वेज ओट्स खा सकते हैं, अगर आपको पसंद हो तो आप दलिया खा सकते हैं, आप उपमा खा सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे आप वेजिटेबल्स भर के डालिए, उपमा भी बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है। आप चीला बना सकते हैं, उसमें आपको भर के वेजिटेबल्स डालने हैं और थोड़ा सा बेसन डालना है और ये जो चीला बनता है अमेजिंग बनता है। उसमें आपको ऑयल ऐड नहीं करना है, नॉन स्टिक पैन पे बनाइएगा तो ऑयल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और ऑयल फ्री रहेगा तो बहुत ज्यादा हेल्दी रहेगा। तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, आपको बहुत मजा भी आएगा खाने में, आपको कुछ नया भी मिलेगा और आप बोर भी नहीं होंगे और आपको हेल्थ भी बनी रहेगी। अब बारी है डिनर के बाद और सोने से पहले आपको पीना है एक कप हल्दी वाला दूध। मुंह क्यों बिगाड़ रहे हो, हल्दी वाला दूध ही बोला है आपको, जहर पीने को नहीं बोला है, ये आपको पीना ही है क्योंकि ये बेस्ट रहता है आपकी हेल्थ के लिए। सिर्फ आपकी सेहत के लिए नहीं, आपके बॉडी के लिए नहीं, आपके वेट लॉस के लिए नहीं, पर ये आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है। रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध जरूर पीजिएगा। और अब मैं रिवील करने वाली हूँ सबसे बड़ा राज वेट लॉस का, वो है
अवॉइड जंक फूड। जी हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं और साथ में चाहते हैं कि आपका वेट लॉस हो, तो वो नहीं हो पाएगा। आपको थोड़ा थोड़ा करके उसे कम करना है। एक साथ करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा क्रेविंग के मारे मर जाएंगे और आपको लगेगा नहीं करना है यार, वेट लॉस खा ही लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके कम करना है। धीरे धीरे डाइट को हेल्दी डाइट की तरफ लेकर जाना है और सबसे पहले छोटा टारगेट सेट करना है। मतलब अगर आपका 60 kg है और आपको वेट लॉस करना है, तो आपको पहले टारगेट रखना है 58 kg इन 10 days। 10 दिन में आपको सिर्फ 2 किलो ही कम करना है। तो आप क्या करेंगे, आपको इस 2 किलो के टारगेट के लिए हेल्दी खाना खाना है और आपको जंक फूड को उस टाइम तक अवॉइड करना है। और फिर क्या होगा, जब आपका 2 kg वेट लूज हो जाएगा, तो आप कोई भी आपकी एक फेवरेट चीज खा सकते हैं। अगर आप ऐसा करके अपना वेट लॉस करने की कोशिश करेंगे ना, जल्दी से हो जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे, डाइट प्लान ट्राई करेंगे, डिटॉक्स ड्रिंक भी ट्राई करेंगे, एक्सरसाइज रोज़ाना करेंगे और अपना रिजल्ट मुझे ज़रूर दिखाएंगे कि आपने कितना वेट लॉस किया। मुझे कमेंट बॉक्स में जितने रिक्वेस्ट आ रही थी ना, टीनेज डाइट प्लान बताओ, टीनेज के लिए मुझे एक्सरसाइज बताओ, मुझे डिटॉक्स ड्रिंक बताओ, ये सब ध्यान में रखिए, मैं चेक करने वाली हूँ। आपको मुझे वेट लॉस करके दिखाना है और मुझे टैग करना है। इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हैं या फिर यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है neha.livingbright, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कोई भी सुझाव है तो आप मुझे वहाँ पे भी दे सकते हैं, डायरेक्टली DM कर सकते हैं। मेरे फोटोग्राफ्स और मेरी अदर स्टफ़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और आप कोई भी वीडियो चाहते हैं तो उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिख लेना है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया है और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से बोल रही हूँ, फटाफट नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक एंड शेयर, इतनी मेहनत के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं। और अगर आप ऐसी भी खरीदना चाहते हैं एप्पल साइडर विनेगर, तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, वो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। और भी बहुत सारी हेल्दी चीज़ें हैं जो खाने के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप अपने डाइट में शामिल करना चाहें और ऑनलाइन खरीदना चाहें, तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, वहाँ से आप खरीद लीजिएगा। और हाँ, एक्सरसाइज की लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से एक्सरसाइज भी ज़रूर कीजिएगा एवरीडे सुबह, और डाइट प्लान भी फॉलो कीजिएगा और साथ में डिटॉक्स ड्रिंक भी बनाइएगा। मैं मिलती रहूँगी आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो में, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर हेल्थ।